दोस्तों, आप अपने आईफोन या तो फिर एंड्रॉयड फोन के अंदर व्हाट्सएप तो यूज करते होंगे। आपको पता ही होगा कि जब भी व्हाट्सएप के अंदर आपको कोई ग्रुप के अंदर मैसेज आता है तो उसके रिप्लाई जो होता है वो जनरली ग्रुप में ही होता है। यानी जब भी आप रिप्लाई करते हैं तो जो भी रिप्लाई जाता है सारे ग्रुप में जितने भी मेंबर है सबको दिखता है। लेकिन रिसेंटली व्हाट्सएप के अंदर एक नया अपडेट्स आया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने आईफोन या तो फिर एंड्रॉयड में वो व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन अपडेट कर दीजिए। ये अपडेट्स ये है कि जो भी आपको मैसेज आता है ग्रुप में, अगर आप उसका रिप्लाई प्राइवेटली करना चाहते हैं वन टू वन, तो वो अब हो सकता है। तो ये फीचर्स आ गया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपडेट कर दीजिए। कैसे वो रिप्लाई करना है आईफोन के अंदर, एंड्रॉइड फोन के अंदर, वो सब जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत। तो चलिए देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये ग्रुप है, आप देख सकते हैं ये टेस्ट ग्रुप वन है, यहाँ पे मेरा ये एंड्रॉयड फ़ोन है, यहाँ पे मेरा आईफोन है। तो यहाँ पे ये ग्रुप में अगर मैं कोई मैसेज भेजता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हेलो, यहाँ पे जैसे मैंने एक मैसेज भेज दिया, तो ये मैसेज जाएगा मेरा पूरा ग्रुप में, जितने भी मेम्बर्स है वो सबको वो मैसेज मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने हेलो मैसेज भेज दिया, तो यहाँ पे एक ये दूसरा डिवाइस है उसमें जो नंबर है वो भी मेम्बर है, तो मुझे मिल गया ग्रुप में से मैसेज। तो यहाँ पे मैं अंदर जाता हूँ तो मुझे ये मैसेज मिल रहा है हेलो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं रिप्लाई करना चाहूँ, तो अगर मुझे डायरेक्टली मैं यहाँ से अगर रिप्लाई करूँगा तो ये जो रिप्लाई है पूरा ग्रुप में सभी को चला जाएगा। लेकिन मुझे प्राइवेटली रिप्लाई करना है, जिस पर्सन ने ये मुझे मैसेज भेजा है उसी पर्सन को मुझे रिप्लाई करना है, क्योंकि ये पर्टिकुलर ग्रुप है। तो जनरली आपको पता ही होगा कि ग्रुप में सब कुछ कॉमनली शेयर होता है, लेकिन व्हाट्सएप में ये जो नया फीचर्स आए हैं उसकी वजह से आप प्राइवेटली भी रिप्लाई कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है, यहाँ से आपको नहीं लिखना है, आपको ध्यान में रखना है, इसके ऊपर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, स्टार, रिप्लाई, ये रिप्लाई करेंगे तो ग्रुप में जो नॉर्मल रिप्लाई होता है वो चला जाएगा, वो नहीं करना है। यहाँ पे आपको जाना है मोर में, मोर में जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है रिप्लाई प्राइवेटली, तो ये आपको टैप करना है। ये टैप करेंगे तो जिस पर्सन ने वो मैसेज भेजा है ग्रुप में वो पर्सन का इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न मांग गया टू वायर टेज ग्रुप वन। तो यहाँ से जब मैं ओके प्रेस करूँगा तो मुझे रिप्लाई मिलेगा यहाँ पे, लेकिन वो प्राइवेट मिलेगा, ये ग्रुप के अंदर वो रिप्लाई नहीं मिलेगा। आप देखेंगे यहाँ पे, आपने देख लिया कि यहाँ पे मुझे जो रिप्लाई मिला एक्चुअली ये ग्रुप में मिलना चाहिए ओके, लेकिन प्राइवेटली मिला। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप ग्रुप में हैं लेकिन रिप्लाई अगर प्राइवेटली करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे प्राइवेट रिप्लाई मिल गया वो पर्सन के अंदर में। अब हम देखते हैं कि कैसे एंड्रॉइड में से हम रिप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये टेस्ट ग्रुप है, टेस्ट ग्रुप के अंदर मैंने भेजा हाय, तो जनरली ये जाएगा सभी पर्सन को क्योंकि मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ, तो ग्रुप में भेज दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे पर्टिकुलरली यहाँ पे जो टेस्ट ग्रुप वन है उसके अंदर मुझे मिल गया हाय। तो अब मुझे यहाँ से ये एंड्रॉइड में कैसे रिप्लाई सेंड करना है, तो जनरली आईफोन में जैसे हम लॉन्ग प्रेस करते हैं वैसे तो यहाँ पे लॉन्ग प्रेस नहीं होगा, लेकिन मैसेज को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको देखना होगा कि आपका जो वर्जन है उसके हिसाब से यहाँ पे, जैसे जनरली यहाँ पे तीन डॉट्स आते हैं वहाँ उसे चूज़ करना है और रिप्लाई प्राइवेटली चूज़ करना है। जैसे प्राइवेटली चूज़ करेंगे तो वो जो पर्सन का जिसका भी मैसेज था ग्रुप में उसका इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ से आप सेंड कर सकते हैं ओके। और जैसे मैंने सेंड कर दिया तो यहाँ पे मुझे जो रिप्लाई मिलेगा वो प्राइवेट मिलेगा, वो ग्रुप में नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रुप में मिला तो यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर मैं वो पर्सन में जाता हूँ तो यहाँ से मुझे मिल गया ओके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाया ये टेस्ट ग्रुप वन, क्योंकि ये थोड़ा आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि मैसेज कैसे आए। तो ये बहुत सिंपल टेक्निक है कि अगर आप ग्रुप में कोई मैसेज रिसीव करते हैं और अगर उसका रिप्लाई प्राइवेटली देना चाहते हैं, जिस पर्सन ने वो मैसेज भेजा है उसी पर्सन को वो मैसेज जाएगा। अच्छा फीचर है, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने आईफोन या तो फिर एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर व्हाट्सअप का जो लेटेस्ट वर्जन है उसे अपडेट कर दीजिए, तो ये फीचर्स आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का बटन है उसे टैप कर दीजिए, तो जब भी मैं चैनल पर नया वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपके डिवाइस में उसका पुश नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरा नया वीडियो देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।